स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। सो स्टूडेंट्स, इट्स एट्थ डे ऑफ रैपिड रिवीजन बैच टुडे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 to 5 इन दिस डायरेक्शंस, इन दिस क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फोर ऑल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स सेइंग मोहन हैव यू एवर ब्लैंक बिफोर, इट्स माई फर्स्ट टाइम इन अ प्लेन एंड आई एम अ लिटल नर्वस। लिटल नेगेटिव डिटर्मिनर होता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्लियर? सो हैव यू एवर ब्लैंक फ्लेड, फ्लेड जो है फ्ली की वर्ब लगा रहा है, ये तो भाग जाना होता है, फ्लोड बहना होता है, ये फ्लो की वर्ब लगा रहा है, फ्लो की सेकेंड फॉर्म लगा रहा है फ्लोड, ठीक है। जबकि फ्लाई की वर्ब यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम जो जब ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब फ्लाइट में उड़ते हैं, जहाज़ में उड़ते हैं, तो उसके लिए फ्लाई वर्ब ही होती है। जैसे हम बोलते हैं अ प्लेन इज लाइक फ्लाइंग इन द स्काई, ओके। सो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन वर्ब पे कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे जेरंड फॉर्म लगा रहा है, तो ये भी गलत है, ए और बी भी गलत है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी होना चाहिए। मोहन हैव यू एवर फ्लोन बिफोर, मोहन ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम पहले जहाज में बैठे हो। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम, वो बोल रहा है इट्स माई फर्स्ट टाइम इन अ प्लेन एंड आई एम अ लिटल नर्वस। सो वर्ब पे है, फ्ली की सेकेंड फॉर्म फ्लेड, फ्लेड होती है, इसका मीनिंग रन अवे हो जाता है, जिससे जेल तोड़ के भाग जाते हैं क्रिमिनल। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर स्पॉट से फ्लेड हो जाता है, तो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं द ड्राइवर फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट। ये उस कॉन्टेक्स्ट में फ्ली वर्ब को यूज़ करते हैं, फ्लेड को यूज़ करते हैं। ये बहने वाली सेंस में फ्लोड यूज़ होता है, लाइक द वाटर इज फ्लोइंग, ओके। सो फ्लोन यहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, और मैंने बताया था आपको कि पंजाब एग्जाम्स में टैग के क्वेश्चंस आते हैं। तो दे हैव, हमें टेंस को पहचाना है, हैव लग रहा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये टेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, अब ये वाक्य जा रहा है पॉजिटिव, तो इसका जो क्वेश्चन उठाना है वो उठाना है हमने नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर उठेगा, तो ए नेगेटिव है बट टेंस को रिप्लेस कर रहा है, गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव तो बनना नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में हमने जाना नहीं है, तो आंसर बनेगा सी, हैवंट दे वुड बी द राइट आंसर। सेम टेंस का ही टैग बनाना होता है एक्चुअली। अब यहाँ पे हैव आ रहा है तो उसको नेगेटिव में ले जाएंगे, हैवंट दे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द होल क्लास सिंपथाइज्ड। अब सिंपथाइज्ड के साथ स्टूडेंट्स हमें जो प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी, तो सिंपथाइज्ड के साथ जो प्रपोजिशन लगती है फिक्स्ड प्रपोजिशन, दैट इज विद, इट्स नॉट एट, इट्स नॉट फॉर, इट्स नॉट टूवर्ड्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट्स स्टेटमेंट सेइंग योर टाई डजंट गो वेल। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी विद योर शर्ट। योर टाई डजंट गो वेल विद योर शर्ट, कि मतलब तुम्हारी शर्ट के साथ टाई तुम्हारी ठीक नहीं लगी है, ओके, डजंट गो वेल, ओके, मैच नहीं कर रही है किसी इस कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा है कि तुम्हारी जो टाई है डजंट गो वेल विद योर शर्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, आई एम ग्रेटफुल, फिक्स्ड प्रपोजिशन के कॉन्सेप्ट है, ग्रेटफुल के साथ हमें पता होना चाहिए टू लगता है, इट्स नॉट फॉर, इट्स नॉट इन, इट्स नॉट विद, ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ओके। तो टू इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 to 8, डायरेक्शन इट्स सेइंग इन दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। सो रिजिड का हमें मीनिंग देना है स्टूडेंट्स। रिजिड तो क्या होता है? रिजिड बेसिकली होता है जो चीज हार्ड होती है, टफ होती है, जिसको आप बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, तो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। ऑपोजिट होता तो हम इसका आंसर ले लेते फिर फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल बन जाता, बट यहाँ पे बन जाएगा इनफ्लेक्सिबल। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेगनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टेगनेट का मीनिंग क्या होता है। स्टेगनेट बेसिकली होता है सीज डेवलपिंग, बिकम इनएक्टिव और डल, नेगेटिव वर्ड है, इनएक्टिव बोल सकते हैं, इनएक्टिव, और वी कैन से डल। तो सिनोनिम आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका। तो फेस्टर इसका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट। फेस्टर का मीनिंग भी वही होता है बेसिकली, टू अंडरगो और डीके, किसी चीज़ का पतन हो जाना, नेगेटिव वर्ड है भी, ओके। और जो परस्यूड होता है, परस्यूड किसी को टू मेक समबडी टू डू समथिंग बाय गिविंग दम गुड रीजंस फॉर डूइंग इट, परस्यूड करना किसी को, परस्यूड मतलब किसी को कन्विंस करना, ठीक है, टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग दम गुड रीजंस फॉर डूइंग इट। और टर्मिनेट आपको पता है, टर्मिनेट एंड करना होता है किसी चीज़ का, तो फेस्टर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, सिनोनिम। कम टू द वर्ड नंबर 8, रिस्टोर।
रिस्टोर के लिए स्टूडेंट्स, रिस्टोर का जो मीनिंग होता है बेसिकली, रिस्टोर के लिए ऑप्शंस है रिकॉन्स्टिट्यूट, स्पॉइल, कंप्लीट और इंजर। तो रिस्टोर का मीनिंग बेसिकली होता है रीएस्टेब्लिश करना, रिप्लेस करना, रिप्लेस लिख सकते हो आप, सिंपल वर्ड रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेसमेंट करना, रिस्टोर करना, क्लियर। और इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा दैट रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, दोबारा से बनाना किसी चीज को, रिकॉन्स्टिट्यूट ही इसका सिनोनिम बनेगा। इंजर तो गलत है, कंप्लीट भी रॉन्ग है, स्पॉइल भी रॉन्ग है, तो दोबारा से किसी चीज को दोबारा से बनाना होता है बेसिकली। ओके, रीइंस्टिट्यूट करना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना, रीएस्टेब्लिश करना, तो अटेन तो प्राप्त करना होता है, किसी चीज को अबटेन करना, पोजेस करना, है ना। तो ये नहीं बनेंगे, बाकी आंसर गलत है। कम टू द नाइन्थ, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो नाइन्थ में स्टूडेंट जो वर्ड है हमारा कॉर्डियल, कॉर्डियल का मीनिंग होता है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। इस नाइन्थ वर्ड का जो हमें ऑपोजिट देना है, इसका मीनिंग तो प्लेजेंट होता है। नाइन्थ स्टूडेंट्स कॉर्डियल, कॉर्डियल का स्टूडेंट्स जो मीनिंग होता है बेसिकली, कॉर्डियल मीन्स होता है, कॉर्डियल का स्टूडेंट्स जो मीनिंग बनता है दैट इज इट मीन्स फ्रेंडली, और फ्रेंडली का फ्रेंडली तो नहीं सकता बिकॉज ऑपोजिट वर्ड्स वी आर गिविंग ओवर हियर, सो हॉस्टाइल हो जाएगा। हॉस्टाइल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अनफ्रेंडली, जो फ्रेंडली ना हो, एनिमिटी वी कैन से। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th, इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स नेचुरल, वी कैन से नेचुरल, नॉट बेस्ड ऑन रीजंस, और रैशनल होता है बेस्ड ऑन रीजंस, ऑपोजिट बनेगा इसका रैशनल, और रैशनल होता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन रीजंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th, विनायल। विनायल बेसिकली होता है जो सीरियस नहीं होता और जो पार्डनेबल होता है बेसिकली, जो पार्डन कर देता है, क्षमा कर देता है किसी को, तो पार्डनेबल इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये इसका मीनिंग है बेसिकली ये, और इसका आंसर बनेगा अनपार्डनेबल, क्लियर। 11th, 11th का सी बन जाएगा, विच दैट कांट बी पार्डनेबल। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th, 12 to 14, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना स्टूडेंट्स, तो द एबसेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जब कोई रूल कानून नियम नहीं होता तो उसको बोलते हैं एनार्की। एनार्की मीन्स होता है एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जब कोई कानून नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई सरकार नहीं होती। कम टू द 13th, अ वॉइस दैट कांट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जिसको नहीं सुना जा सकता है, उसके लिए बोलते हैं इनऑडिबल। इट्स नॉट ऑडिबल, नॉट फेंट, नॉट अनहर्ड। कम टू द 14th, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्विक, सुनामी, इट्स सुनामी। जो सी वेव्स आती हैं, हाई सी वेव्स अंडर वाटर भूकंप के द्वारा, अर्थक्विक, तो उसको सुनामी बोलते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15th, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें idiom फ्रेज का मीनिंग देना है बेसिकली। तो हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स, तो हेड एंड ईयर्स इन लव का मीनिंग होता है कि कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्विक, जो अंडर वाटर अर्थक्विक आता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे बहुत पहले सुनामी आई थी गुजरात में, आपको याद होगा, तो सुनामी वुड बी द राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ओवर हियर। टोर्नेडो, हरिकेन और साइक्लोन, ये गलत ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स। कम टू द 15th, सो इन दिस क्वेश्चन फोर ऑल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द idiom फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द idiom फ्रेज। हमें idiom फ्रेज का राइट मीनिंग देना है स्टूडेंट्स। ओके, तो 15th क्वेश्चन में बोल रहा है हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स, ये यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था, हेड एंड ईयर्स इसमें idiom है, इन लव विद डीमेट्रियस। तो हेलेना एक लिटरेचर का कैरेक्टर है कि उससे वो हेड एंड ईयर्स था उसको लव, मतलब एक्सेसिवली, कम्प्लीटली, शी वॉज कम्प्लीटली इन लव विद हिम। ओके, सो इट्स नॉट केयरफुली, नॉट ब्रिलियंटली, नॉट कॉशियसली। कम टू द 16th, द कैशियर वाइप द नोज ऑफ। वाइप द नोज ऑफ का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बेसिकली धोखा देना, नेगेटिव idiom है, ध्यान रखना। तो कैशियर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयर को फॉल्स बिल्स प्रेजेंट करके धोखा दिया, चीट किया, सो द राइट आंसर वुड बी चीटेड।
Come to the 17th. नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट. स्टैंड ऑन हिज फीट बेसिकली होता है कि नरेश गोयल ने क्या किया, अर्ली एज में ही उसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा. स्टैंड ऑन हिज फीट होता है स्टूडेंट्स जब हमारे ऊपर स्टार्टिंग में ही मतलब जिम्मेवारियाँ पड़ जाती हैं. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा टू बी इंडिपेंडेंट. कम टू द 18th टू 20. इन दिस क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज मिसस्पेल्ड. मतलब मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है. ठीक है, तीन स्पेलिंग में भी राइट होंगी तो मिसस्पेल्ड वर्ड वी हैव टू फाइंड आउट. तो ऑसिलेट की स्पेलिंग राइट है स्टूडेंट्स. जो फर्स्ट स्पेलिंग है दैट इज करेक्ट. डेलिबरेट इज ऑल्सो करेक्ट. नरेट इज ऑल्सो करेक्ट. ये यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड है. एन्यूमरेट में एक्चुअली सिंगल एन आता है, डबल एन नहीं आता. कम टू द 19th. इट्स हर्डल कडल. ये एक्चुअली स्पेलिंग ही यहाँ गलत मेंशन लिखी हुई है. ये राइट स्पेलिंग होनी चाहिए सी यू डबल डी एल ई. और यही स्पेलिंग यहाँ पे मिसस्पेल्ड थी. यही हमारा आंसर बनेगा. हर्डल की स्पेलिंग राइट है, पडल की राइट है, मेडल की राइट है. तो कडल की स्पेलिंग सी यू डबल डी एल ई होती है स्टूडेंट्स. कम टू द 20th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर दैट इज कंपोजिशन ग्रामर लिटरेचर एंड पोएट्री. सो कम टू द लास्ट 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इन 20th क्वेश्चन स्पेलिंग्स आर कंपोजिशन ग्रामर लिटरेचर एंड पोएट्री. सो इन 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंपोजिशन की स्पेलिंग राइट है, लिटरेचर की राइट है, पोएट्री की भी राइट है. जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो ग्रामर की है. ग्रामर की स्पेलिंग कभी भी ग्रामर की जो राइट स्पेलिंग होती है दैट वुड बी जी आर ए इट्स डबल एम देन ए आर. 90% लोग जो है जी आर ए डबल एम ई आर लिखते हैं. बट रिमेंबर ग्रामर में जी आर ए डबल एम ए आर आता है, इसमें ई आर कभी नहीं आता स्टूडेंट्स. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज.